अतिक्रमणकारी की एक बुंदी हटाने के पीछे पूरा तहसील प्रशासन अतिक्रमणकारी के आगे हुआ नतमस्तक। पिछले 5 सालों से प्रशासन नहीं हटा सका एक बुंदी। डीएम का आदेश हवा हवाई, तहसील दिवस भी बना मात्र एक खेलवाड़। नियम के आदेश के बाद भी पालिका व तहसील प्रशासन की सुस्ती या फिर सेटिंग गेटन कर पिछले कई सालों से टिकाया जा रहा उक्त मामले को। फतेहपुर बुंदकी मामला बुंदकी नगर के मुंडोड़ा गली का है, जहां विगत कई वर्षों से अतिक्रमणकारियों ने अपनी बुंदियां रख अतिक्रमण कर रखा है, जिसका पालिका प्रशासन अतिक्रमणकारियों से 5 रुपए से लेकर 10 रुपए या इससे अधिक भी कर के रूप में वसूल भी करती है, लेकिन बदले में उन्हें सड़कों में गुमटियां रखने का अधिकार भी देती है। जब मन हो जहां मन हो वहां पर आप गुमटियां रख अपनी दुकान चला, रोजी रोटी कमा, अपना व अपने परिवार का भरण पोषण कर सकते हैं। लेकिन ये पालिका का कैसा इंसाफ है कि दूसरे की रोजी रोटी चलाने के लिए किसी अन्य व्यक्ति की दुकान का रास्ता अवरुद्ध करवा दे। फिर क्या, फिर सिलसिला शुरू होता है शिकायती प्रार्थना पत्र का, जिसकी शिकायत पीड़ित दुकानदार पिछले कई सालों से डीएम की चौखट में सर पटक पटक कर शिकायत करते करते थक गया। लेकिन अगर कोई नहीं थका तो वो रही बुंदकी नगर पालिका व तहसील प्रशासन। जिलाधिकारी ने भले ही कागजों में आदेश जारी कर उक्त एक बुंदी को हटाने का आदेश पारित कर दिया हो, लेकिन वही नगर पालिका भी कहां कम उसने भी खाना पूर्ति करते पूरे अतिक्रमण स्वरूप रखी बुंदी मालिक को नोटिस भेज चेतावनी दे डाली। लेकिन धरातल पर कार्य की बात करें तो कार्यवाही के नाम पर इतिश्री रहा, बल्कि एक बुंदी की शिकायत का खामियाजा अगल बगल रखी बुंदियों को भी उठाना पड़ रहा है। एक बुंदी के चक्कर में कितने परिवारों के आगे रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा, ये जरा भी नहीं सोचा गया। तहसील प्रशासन भी एक बुंदी हटाने को लेकर बे इंतहा पसीना बहा चुका है। पालिका द्वारा फैलाए गए रायते को तहसील प्रशासन व स्थानीय पुलिस को समेटना भी पड़ रहा है। सवाल तो कई खड़े होते हैं प्रशासन पर भी कि जब कार्य करना ही नहीं है, ऐसे आदेश वो क्यों पारित करते हैं जिन्हें उनके सहायक अधिकारी गण न कर सके। अगर आदेश पारित कर भी दिया गया तो आखिर उसे अब तक अमली जमा पहनाया क्यों नहीं गया। यदि जिलाधिकारी के एक आदेश को क्रियान्वित करने के लिए जब 5 साल से भी ऊपर का समय लग सकता है, तो और अन्य मामलों में आदेश होने पर तो बाकी के सारे काम ही ठप हो जाएंगे, सब आदेश के क्रियान्वयन में लग जाएंगे। तो जीरो टॉलरेंस वाली सरकार में सरकारी महकमा अगर इस तरह से बेलगाम होकर काम करने लगे, तब तो सरकार की लुटिया डूबने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि सरकार की लुटिया डुबाने में खुद सरकार के अफसरशाहों की नीतियां जिम्मेदार होंगी।